राइनोप्लास्टी ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? यस दोस्तों, बात करते हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ राइनोप्लास्टी सर्जरी। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आपको अगर नोज के अंदर प्रॉब्लम है एंड डेफिनेटली एवरीवन, अगर किसी को नोज में प्रॉब्लम है एंड वो अपना राइनोप्लास्टी कराना चाहते हैं, तो उनके जहन में एक सवाल जरूर आता है, मेरे को मेरे ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, ये बहुत कॉमन है, मेरी वेबसाइट मेरे जो है मेरी क्वेरी जहाँ पे आती है। दोस्तों, राइनोप्लास्टी जो ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन है, इसका खर्चा हम कैसे डिसाइड करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर कुछ फैक्टर होते हैं। नंबर वन की जो आपकी जो राइनोप्लास्टी जो सर्जरी है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, रिवीजन है, दैट मींस आपका नोज पहले ऑपरेट हुआ है या नहीं हुआ, नंबर वन फैक्टर। नंबर टू, आपका जो डॉक्टर है जो राइनोप्लास्टी आपकी सर्जरी कर रहा है वो कितना एक्सपीरियंस है, कितना उसका एक्रीडेशन है। नंबर तीन, जहां पे दोस्तों आप राइनोप्लास्टी सर्जरी करा रहे हो वो कहाँ है, वो एक छोटा हॉस्पिटल है, वो एक बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है या वो एक्सक्लूसिव सेंटर है। थर्ड, ये डिसाइड करता है दोस्तों आपको जो है वो कोई कोमोर्बिडिटी तो नहीं है, कि आपको कोई ब्लड प्रेशर या कोई डायबिटीज या कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। सो ये दोस्तों सारे फैक्टर हैं जिससे हमें ये पता लगता है। दोस्तों, नंबर वन, अगर कोई पेशेंट प्राइमरी राइनोप्लास्टी होता है जिसका पहले कोई ऑपरेशन नहीं हुआ हुआ है, तो वो कंपैरेटिव इजी होता है, उसमें टाइम कम लगता है, इसलिए उसका खर्चा कम होता है। नंबर दो, दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि अगर कोई जो पेशेंट है उसको जो है वो ऑपरेशन जहां पे वो करा रहा है, एक छोटा हॉस्पिटल है या एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, तो डेफिनेटली क्या होता है, उनकी रेट्स के अंदर उसको डिफरेंस होता है, वहां का कॉस्ट उसका ज्यादा होता है। थर्ड, दोस्तों जो डॉक्टर है अगर कोई एक्सक्लूसिव राइनोप्लास्टी सर्जरी कर रहा है, बेसिकली उसी का वही वर्क है एंड वो एक बोर्ड सर्टिफाइड सर्जन है, तो उसकी कॉस्ट जो है अपनी डिफरेंट होती है, अपनी जो है उसकी टेक्निक्स होती है, उसकी कॉस्ट अलग होती है। ओवरऑल अगर हम मानते हैं तो राइनोप्लास्टी की जो इंडिया में जो कॉस्ट है तो वो दोस्तों 2000 से लेके $3000 के बीच में होती है, जिसको हम मोटे रूप से कहते हैं कि राइनोप्लास्टी सर्जरी छोटे से छोटे सेटअप में भी अराउंड 75-80,000 से स्टार्ट होता है। एंड देन फिर नोज के अंदर कितनी विकृति है, कितना टाइम लगता है, प्राइमरी जो केस है वो 1.25-1.5 लाख के बीच में भी होता है, कॉम्प्लिकेटेड केसेज होते हैं उसमें करीब 2 लाख भी होता है। ये क्या होता है, डिपेंड करता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं सर उन्होंने तो जो है वो 50,000 में कराया या उन्होंने 2 लाख में कराया। दोस्तों, ये डिसाइड करता है सर्जन, आपकी कोमोर्बिडिटी, आपके नोज की डिफॉर्मिटी। जस्ट लाइक हम कोई भी गाड़ी की सर्विस कराते हैं, वो सर्विस 10,000 में भी होती है, बहुत ज्यादा भी लगते हैं, काम हमारा कितना है। दोस्तों, सेकेंडरी जो राइनोप्लास्टी होती है, रिविजन जो राइनोप्लास्टी होती है, जिसके अंदर 2 बार राइनोप्लास्टी सर्जरी, उसके ऐसे पेशेंट की जब सर्जरी होती है तो सर्जन के सामने बहुत कॉम्प्लिकेसी होती है। रिब हार्वेस्टिंग करना है, नोज को ओपन करना है, प्रीवियस सर्जन ने क्या जोड़ा है, क्या काटा है, तो उसकी कॉस्ट डेफिनेटली ज्यादा होती है। इसलिए दोस्तों, आपको जब राइनोप्लास्टी जो सर्जन का चुनाव करते हैं तो वो आपका सर्जन बोर्ड सर्टिफाइड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए, जिससे एक बार में ही आपकी राइनोप्लास्टी की डिफॉर्मिटी करेक्ट हो। ऐसा नहीं हो कि आपने एक बार सर्जरी करा ली और उसके बावजूद भी जो है आपके रिजल्ट नहीं है। सो दोस्तों, आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन इज रियली यूजफुल रिगार्डिंग, यू कैन शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली कलीग्स, जिससे क्या है कि इसके रिगार्डिंग जो है और अवेयरनेस क्रिएट हो। थैंक यू।